बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ मैं और आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट आप भाइयों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी न्यूज है जी। आप भाइयों को मेरी तरफ से एडवांस में मुबारक हो। मैं आपको मुबारक क्यों दे रहा हूँ, आपके साथ अभी खबर शेयर कर देता हूँ। आपको यकीनन इस ये खबर सुनने के बाद भाई खुशी महसूस होगी। इंटरनेट फ्लैश के मुतलक बहुत अच्छी न्यूज सामने आ चुकी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि कोरोना की पाबंदियाँ खत्म की जा चुकी हैं सऊदी अरेबिया में, आज से ही आप खाना काबा के मुतलक भी वीडियो देख चुके हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर जो उन लोगों ने भाई पाबंदियां लगाई हुई थी, 1 से 2 मीटर का फासला रखें, ये है वो है, आपको जगह जगह पर छूटता रहता। आप किसी बैंक में जाते हैं, नकल जमाई में सफर करते हैं, तो वहां पर भी आपको इन चीजों का सामना करना पड़ता था, जो कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी है। तो अभी भाई सऊदी अरेबिया के तमाम तर एयरपोर्ट्स के मुतलक, तमाम तर फ्लाइट्स के मुतलक भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी न्यूज आ चुकी है। सऊदी गाका की तरफ से कहा गया है, मैं आपको यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रखा हूं, आप खुद से भाई पढ़ते भी जाएं। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन एयरलाइंस यानी कि सऊदी गाका की तरफ से ये भाई सबसे पहले ट्वीट सामने आ चुकी है। द किंगडम एयरपोर्ट टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी, जी तमाम तर सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बहाल कैसे हो चुके हैं, काम तो पहले से जारी था लेकिन ये पाबंदियों का सामना था वहां पर भी, और बहुत सी फ्लाइट्स बंद थी और बहुत सी फ्लाइट्स को डिले किया जाता था या किसी ना किसी वजह को लेकर उनको रोका जाता था। अभी कुछ बंदे सोच कुछ भाई सोच रहे होंगे यार ये तो सऊदी अरेबिया के अंदर के ही मामला थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां पर आपको मैं एक चीज और दिखा रखा हूं, इसमें भाई आप खुद से देख लें, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं। मतारात अल ममलकत फी अल रहलात अल मुहल्लिया व अल दौलिया, ठीक है जी, अल मुहल्लिया व अल दौलिया लिखा हुआ, यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर की डोमेस्टिक फ्लाइट्स और बाहर से आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स और यहां से जाने वाली फ्लाइट्स, यानी कि तमाम तर फ्लाइट्स के ऊपर जितनी भी पाबंदियां थी एयरपोर्ट्स के मामलात को लेकर वो भाई हटा दी गई हैं। अच्छा, यहां पर ये मत सोच लीजिएगा अभी के भाई जितनी भी पाबंदियां थी एयर फ्लाइट्स के ऊपर वो खत्म कर दी गई हैं। भाई पाकिस्तान और इंडिया की फ्लाइट्स के मुतलक अभी बात कर लेते हैं, अभी भी पाकिस्तान और इंडिया की फ्लाइट्स बंद ही हैं, ओपन नहीं की गई हैं, लेकिन आप इस चीज से अंदाजा कर सकते हैं कि कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए जैसा कि पहले थे, एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ सऊदी अरेबिया आ चुका है। और इससे अगला स्टेप यानी कि चंद घंटे बाद हो जाए, वो एक दिन बाद हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए या 7 दिन बाद हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है ज्यादा दिन चलेगा अभी ये काम। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लिक भी बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है। यहां पर भाई मैं एक चीज और ऐड करता चलूं इसी वीडियो में, मैं आपको ये बता दूं भाई जो मेरे पाकिस्तानी भाई इंडियन भाई हैं, आप अपनी वैक्सीनेशन के मुतल्लिक तमाम तर जो तफसीलात हैं उसको क्लियर करें, यानी कि वैक्सीन तो आप अपनी क्लियर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जो नादर सर्टिफिकेट वगैरह है या और कोई भी आपको कोई भी किसी किस्म की मालूमात उसके मुतल्लिक आपकी रहती है तो उसे ओके करें। अपनी छुट्टी के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन लें, छुट्टी आपकी बड़ी हुई है, इकामा आपका बड़ा हुआ है, ये तमाम तर चीजें क्लियर करें। आपको इन्हीं के दौरान यानी कि ये तमाम तर अपने मामला आप क्लियर करते होंगे, इसी दौरान ही आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी न्यूज मिल जाए। और मेरी ये दुआ है कि भाई तमाम तर भाइयों के लिए फ्लैट्स ओपन हो, स्टेप बाई ना हो, या स्टेप बाई होगी तो फिर कुछ भाई रुकेंगे, तमाम तर भाइयों के लिए फ्लैट्स बहाल हो। और ये अभी सिर्फ मेरे हिसाब से चंद दिन का मामला रह गया है।